हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल HSE स्टडी गाइड में। आज इस वीडियो में हम जानने वाले हैं CPR के बारे में, यानी कि कार्डियोपल्मोनरी रिससिटेशंस के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। कार्डियोपल्मोनरी रिससिटेशंस यानी कि CPR का मतलब क्या होता है? कार्डियो यानी कि हार्ट, पल्मोनरी यानी कि लंग्स, रिससिटेट यानी कि रिवाइव। कार्डियोपल्मोनरी रिससिटेशंस का मतलब ये होता है कि हार्ट और लंग्स को पुनर्जीवित करना। CPR एक ऐसी टेक्निक है कि जो इमरजेंसी में इस्तेमाल की जाती है जब किसी पर्सन का हार्ट जो है वो ब्लॉक हो जाता है, यानी कि उसके जो हार्ट बीट्स है वो रुक जाते हैं और उसे सांस लेने में तकलीफ होती है, तो उस टाइम में उसे CPR देना बहुत ही ज़रूरी होता है। ये एक इमरजेंसी टेक्निक है। CPR के टोटल 4 आर्स होते हैं, जिसकी वजह से हमें पता चलता है कि पेशेंट को कैसे हैंडल करना है। तो फर्स्ट आर है रिक्स। हमारी ज़िंदगी में कब हमें क्या हो जाए कुछ कह नहीं सकते। कब हमें हार्ट प्रॉब्लम आए या फिर स्ट्रोक प्रॉब्लम आए, कभी ये डेवलप हो हम कुछ कह नहीं सकते, यानी कि रिस्क के बारे में हमें परिचित होना है। दूसरा है रिकग्नाइज। हमें कैसे पता चलेगा कि कुछ इमरजेंसी हो रही है, उसके कुछ साइंस जो है वो हमें जानने हैं। हमें कैसे पता लगेगा कि मेडिकल इमरजेंसी जो है वो होने वाली है, तो हमें उसे रिकग्नाइज करना है। थर्ड वन है रिएक्ट। जब मान लो सच में इमरजेंसी अगर हो जाए तो आपने क्या रिएक्ट करना चाहिए। और लास्ट में है रिससिटेट यानी कि पुनर्जीवित। फिर आपको पता होना चाहिए कि CPR को कैसे देते हैं और कैसे क्या, अगर किसी को अगर मान लो चोकिंग हुआ है यानी कि ब्लॉकेज हुई है, सांस लेने में अगर तकलीफ हो रही है तो उसे कैसे हेल्प करनी है, ये आपको पता होना चाहिए। तो फर्स्ट वन हमने देखा कि रिस्क फैक्टर, उसके क्या रिस्क फैक्टर है। फिर हमें पहचानना है कि उसके साइंस क्या है, मेडिकल इमरजेंसी जो है वो होने वाली है। थर्ड में हमने देखा कि मेडिकल इमरजेंसी अगर होती है तो उसमें आपने क्या रिएक्ट करना चाहिए। और लास्ट में हमने देखा रिसिटेट यानी कि उस कंडीशन में आपने कैसे CPR देना चाहिए और किसी के अगर मान लो चोकिंग हुआ है यानी कि ब्लॉकेज हुआ है, उसे सांस लेने में तकलीफ हो रही है, तो उस वक्त आपने उसको कैसे हेल्प करना चाहिए। तो दोस्तों, आशा करता हूँ कि आपको CPR के बारे में पता चल गया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।